हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रेन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में किशमिश के बारे में बताऊंगा। किशमिश, जिसको कि आप जानते हैं, किशमिश बहुत ही खाने में मीठा होता है और आप सभी लोग जानते होंगे, हर घरों में उपयोग होता है किसी न किसी रूप में। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह अंगूर के दानों से तैयार किया जाता है, यह काफ़ी मीठा होता है खाने में। और दोस्तों, इसमें जो है नेचुरल जो मिठास होता है, नेचुरल शुगर होता है, और इसको खाने से शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और थकावट नहीं होती है, कमजोरी नहीं होती है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर दिन भर मेहनत करने वाला कोई है, एथलेटिक्स है, दौड़ने वाला है, खेलने वाला है, कूदने वाला है, तो किशमिश का अगर प्रयोग करता है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि यह एनर्जी इसमें भरपूर होती है और हमारे शरीर को थकने नहीं देता है, कमजोर नहीं होने देता है। तो इसको जानने से पहले, मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मेरा कोई भी वीडियो बने तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि किशमिश में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो पहला मैं आप लोग बता दूं कि अगर आधे कप आप किशमिश लेते हैं तो आधे कप में 217 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, जो हमारे शरीर के लिए दिन भर के लिए काफ़ी होता है। अगर 217 कैलोरी ऊर्जा मिलती है तो शरीर में थकान नहीं होता है, आप दिन भर काम करते रहिए, और जो है अगर दौड़ने धूपने वाले हैं, खेलने कूदने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और 47 ग्राम आधे कप किशमिश में 47 ग्राम नेचुरल शुगर पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को देता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे शरीर में एनर्जी देता है। इसके अलावा अगर आधा कप किशमिश प्रयोग करते हैं तो 3.3 ग्राम फाइबर पाया जाता है। फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर हम कोई भी भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है फाइबर। अगर फाइबर का हमारे शरीर में कमी होता है तो डाइजेशन की समस्या होने लगती है, इनडाइजेशन होने लगता है, पेट साफ नहीं रहता है, कंस्टिपेशन होने लगता है। इसलिए हमारे भोजन को पचाने के लिए फाइबर हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आधा कप किशमिश का प्रयोग कर रहे हैं तो 3.3 ग्राम फाइबर जो है पाया जाता है। अगर समझिए कि 24 घंटे में हमें जितना फाइबर की ज़रूरत होती है, उसका 25% जो है सिर्फ हमें आधे कप जो है किशमिश से फाइबर मिल जाता है। तो इतना फायदेमंद होता है और हमारा जो है पेट साफ रहता है, बिल्कुल फ्रेश लाइटिंग होती है और पेट में किसी प्रकार का कंस्टिपेशन नहीं होता है, और भोजन डाइजेशन होने की वजह से किसी प्रकार की समस्या नहीं हो पाती है। अगर हम इसका किशमिश का प्रयोग करते हैं तो अगर भोजन सही से पचता है तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, यूरिक एसिड नहीं बनता है और एसिडिटी नहीं बनती है, और तीनों हमारे शरीर के लिए जहर होता है। जब भोजन हमारा नहीं पचता है तो हमारे शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ने लगती है, एसिडिटी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जो है तमाम समस्याएं आने लगती हैं, पेट फूलने लगता है, और जो है एसिडिटी की वजह से पेट फूलने लगता है, और जो है कि यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में गांठ बनने लगती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो हार्ट अटैक की समस्या आने लगती है। तो ये हमें हार्ट अटैक से भी बचाता है और हमारे हृदय को मजबूत करता है, हृदय की धमनियों को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रखता है। अगर कोई बीपी का पेशेंट हो तो इसको खाए तो गैस की समस्या से दूर रहेगा, बीपी की समस्या से दूर रहेगा, उसका पेट नहीं फूलेगा और भोजन भी पचेगा अच्छे से और पेट भी साफ रहता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें अगर आधा कप प्रयोग कर रहे हैं किशमिश तो उसमें 1.3 मिलीग्राम जो है आयरन भी पाया जाता है। और किसी पेशेंट को अगर खून की कमी हो, कोई एनीमिक महिला हो, तो किशमिश का प्रयोग करें, उसके शरीर में धीरे 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 खून की मात्रा जो है भरपूर हो जाएगी और किसी प्रकार की कमजोरी नहीं रहती है, क्योंकि इसमें जो है 45 मिलीग्राम कैल्शियम भी पाया जाता है। हड्डियां जिससे मजबूत रहती हैं, हड्डियां की समस्या होती हैं तो जोड़ों के दर्द होने लगता है, कमजोर होने लगती है, थकान होने लगती है, कैल्शियम की कमी शरीर में होती है तो शरीर में बहुत कमजोरी आने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप किशमिश का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें 45 मिलीग्राम जो है आधे कप किशमिश में 45 मिलीग्राम जो है कि कैल्शियम भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हड्डियां मजबूत रहती हैं और जोड़ों का दर्द की अगर शिकायत है तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से जो हमारा शरीर है जल्दी बूढ़ा नहीं होता है, हमेशा युवा दिखेंगे, हमेशा जवान दिखेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होने की वजह से जो हमारे शरीर में जो हमारे स्किन होते हैं उसमें जो फ्री रेडिकल्स होता है
जो हमारा चेहरा होता है या शरीर के किसी भी स्किन पे जो है फ्री रेडिकल्स होते हैं तो उसको हटा करके नए स्किन का निर्माण करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से चेहरा हमेशा जो है खिलखिला जाता है और जो है जो झुर्रियाँ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, हमेशा चेहरा जवान दिखता है। तो दोस्तों एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसके अलावा फाइटो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से कई घातक बीमारियां जो है हमारे शरीर में नहीं हो पाती हैं, भयंकर बीमारियां नहीं हो पाती हैं। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाया जाता है, जो कैंसर के सेल होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं और उसको रोकता है, हार्ट को भी मजबूत करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, फाइटो न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से जो है हमारे दांतों में कैविटी बनती है उसको भी ये खत्म कर देता है, जो दांतों में कैविटी बन जाती है। अगर किशमिश का प्रयोग कर रहे हैं तो कैविटी दांतों में नहीं बनने पाती है, तो किशमिश के प्रयोग करने से हमारे शरीर में किसी प्रकार की न तो कमजोरी होती है, ना ही थकान होती है, ना ही किसी प्रकार की परेशानी आती है, कई रोगों से हमें घातक बीमारियों से बचाता भी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि ये हमें पूरा शरीर में एनर्जी देता है, दिन भर हम काम करें या खेलें कूदें तो हमें मजबूत रखता है, हमारे शरीर में आयरन कैल्शियम विटामिन की कमी नहीं होने देता है। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूँ इसको सेवन कैसे करें। तो इसको सेवन करने का तरीका दोस्तों कि इसको डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, दूध के साथ भी आप ले सकते हैं, या तो रात में भिगो दीजिए पानी में, सुबह में इसको जो है खाली पेट ले सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा होता है। या तो फिर बहुत सारे लोग जो है चना में भिगो करके इसको खाते हैं, चना में भिगो दीजिए, सुबह में इसके साथ खाइए, या तो आप इसको जो है किसी भी जैसे कि खीर हुआ उसमें बना के खा सकते हैं, या दलिया हुआ उसमें भी डाल के बना के पका के खा सकते हैं। तो खाने का कई तरीका है, आप चाहे जैसे खा सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों इंस्टाग्राम ट्विटर और टेलीग्राम पर मेरा लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो खोल करके मेरा पूरा डिटेल देख सकते हैं और किसी भी प्रकार का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मेरा जो है पूरा लिंक दिया हुआ है, आप खोल के देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।